भी पता है बरसात वगैरह हो नहीं रही है, तो इसकी वजह से चाहे वो समुंदर हो चाहे कुछ भी हो, पानी तो कम हो ही जाता है ना। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम न्यू ब्लॉग। तो हम दिखाते हैं आपको जनकापुर का नजदीक से झरना, दिखाते हैं आपको बिल्कुल नजदीक से झरना। तो आइए आपको दिखाते हैं। गाइज बिल्कुल करीब से आपको झरना दिखाते हैं। तो ठीक है, उस ब्लॉग में हमने आपको घुपा दिखाए थे जो पिछला ब्लॉग था, तो इसमें आपको दिखाते हैं हम झरना बिल्कुल करीब से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हैं, ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो गाइज देखिए, आपको करीब से झरना दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, आपको बिल्कुल करीब से दिखा देते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ से निकल रहा है पानी, ये है झरना। न्यू ब्लॉग। तो हम दिखाते हैं आपको जनकापुर का नजदीक से झरना, दिखाते हैं आपको बिल्कुल नजदीक से झरना। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइज बिल्कुल करीब से आपको झरना दिखाते हैं। तो ठीक है, उस ब्लॉग में हमने आपको घुपा दिखाए थे जो पिछला ब्लॉग था, तो इसमें आपको दिखाते हैं हम झरना बिल्कुल करीब से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हैं, ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो गाइज देखिए, आपको करीब से झरना दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, आपको बिल्कुल करीब से दिखा देते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ से निकल रहा है पानी, ये है झरना। नहीं होता है, निकलता रहता है 12 महीना, जो साल के 12 महीने रहते हैं पूरा साल पानी निकलता है, कोई सा भी मौसम हो कभी भी। बहुत अच्छा पानी है, ऐसा नहीं कोई गंदा पानी है ये, इसको इसकी वजह से ही बोलते हैं झिरका पिरोजपुर। यहाँ पे 1 साल पूरा ये चलता ही रहता है पानी। गाइस ये बहुत कम हो चुका है, पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकलता था। तो अभी देखिए आप भाई देखो, आपको बिल्कुल करीब से दिखा दिया है पूरा झरना। यहाँ पे बंदर बहुत हैं, ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल नित्रा पानी, आप खुद देख सकते हो, और यहाँ से निकल रहा है देखिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है, ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है, और ये छोटी सी गुफा और है, ये दिखा देते हैं, गुफा है या मंदिर है ये नज़दीक से दिखा देते हैं आपको करीब से। देखिए गाइज यहाँ पे ये गुफा है, शायद इस साइड से इसमें गुफा है। तो यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है, नक्शा बनाया हुआ है ये है, बट इसमें जो है नक्शा बना दिया है। आपको मैंने जो दिखाया था अगले ब्लॉक में आपने देखा था गुफा है, वो ओरिजिनल गुफा। तो गाइज देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है, और ये जो है शिवलिंग हिला रहे हैं, यहाँ पे शिवलिंग भी लगा रखी है। तो एक शिवलिंग धरी है यहाँ पे, तो पानी गिर रहा है, तो ये काफी मजेदार सीन लग रहा है इधर पे। तो अब ये पानी कितना साफ है, एकदम क्लियर पानी है, बिल्कुल नित्रा पानी है, नित्रा खंज बिल्कुल। ये इधर सेंट वगैरह भी पड़े हुए हैं, देखिए अगर भाई दिखा दिए क्या क्या पड़ा। देखिए यहाँ पे सेंट वगैरह, क्या मैग्नेट वगैरह क्या क्या पड़ा है, और यहाँ पे देखिए मूर्ति भी पड़ी हुई है काफी। लोग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, देख लिया। और फिर आगे हम आपको दिखाएंगे, आगे एक मंदिर है जो इसके बराबर में है बाजू में। गाइस देखिए यहाँ पे भी गुफा है, और इस साइड में भी गुफा है, देखो आपको नजदीक से दिखा देते हैं। तो देखिए एक गुफा ये है। आज हम आपसे बार बार विनती करते हैं, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए गाइज कितना ऊंचा पहाड़ है ये, तो गाइज उधर से ही आ रहा है पानी। गाइज ये खजूर के पेड़ हैं, ये खाई में लगे हुए हैं। तो गाइज ये छोटा सा मंदिर है, इसको और दिखा देते हैं आपको। यहाँ के होके गुजर रहा है गाइज, ये पूरे पहाड़ है ना, ये पूरे पहाड़ों में घूमता है ये। तो गाइज यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, ये बीच पहाड़ों में है, ये भी घाटी में ही है। तो देखिए गाइज कितना ऊंचा पहाड़ है। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं, आगे का व्यू आपको दिखाते हैं, चलिए। पूरा ब्लॉग देखना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा ब्लॉग आपको। Thank you.
आप कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम पे कोई गलती हो रही है तो आप हमारे उस पे कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, तो जिससे हम सुधार कर सकें। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।